आजकल बैंक जाकर अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जुड़वाना पड़ रहा है, तो बिना बैंक जाए अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से कैसे जोड़े, कैसे लिंक करें उसके बारे में जाने। तो हम सभी जानते हैं कि बैंक का आधार कार्ड से लिंक होना कितना जरूरी है और कितना चाहिए उसे। तो ये एक बहुत जरूरी काम बन गया है। इसके लिए ग्राहक को बैंक जाकर अपना अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना होता है। यानी रोज की भाग दौड़ कर करके आदमी थक जाता है, लेकिन इतनी भीड़ रहती है बैंक में कि अपने अकाउंट से आधार कार्ड जुड़वाने में लोग थक जा रहे हैं। तो रोज की भाग दौड़ से बचने के लिए एक उपाय है, तो जाने इसी के चलते हम आपके एक तरीका बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप बिना बैंक जाए अपने अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कई स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तो आप इस तरीकों को ध्यान से सुनेंगे। यानी SBI बैंक ग्राहक हूँ आप, तो आपके लिए दो तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका SMS यानी SMS द्वारा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक किया जाए, और दूसरा ATM द्वारा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक किया जाए। यानी दो तरह से आपके लिए बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने का तरीका है। तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से पहले से लिंक होना चाहिए। तो देखते हैं कि SMS द्वारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करें। तो सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UDI स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर टाइप कर 5676 पर भेजना होगा। यानी आपको सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लिखना होगा UDI स्पेस आधार नंबर, फिर उसके बाद स्पेस अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपको उसे 567676 पर भेज देना होगा। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड के बैंक अकाउंट से लिंक होने का मैसेज आएगा। यह कंफर्मेशन मैसेज होगा कि आप मतलब लिंक हो गया। और दूसरे तरह कि ATM द्वारा आधार कार्ड को कैसे जोड़े, तो चलिए किसी भी SBI ATM पर जाएं और ATM मशीन में कार्ड और पिन डालें। मेन्यू में जाएं फिर और सर्विस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और उसके बाद अकाउंट टाइप में सेविंग या चेकिंग पर टैप करें। फिर आधार नंबर एंटर करें। एक बार नंबर डालने के बाद दोबारा आपके आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। अब आपका आधार कार्ड जब दोबारा नंबर डाल देते हैं, तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। इस तरह से आपके लिए दो तरीके थे, एक SMS और दूसरे ATM, यानी अपने बैंक अकाउंट से आप आधार कार्ड के नंबर को दो तरीकों से घर बैठे ही आसानी से जोड़ सकते हैं। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप हमसे पा सके। तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ